made thicker. बाद में कर लेंगे, बोल रहे हैं माली आएगा तो वो दवाई वगैरह डालेगा इसमें। मिट्टी और डाल देंगे। लकड़ी का सपोर्ट देना पड़ेगा। गर्व महसूस होता है कि हम जिनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको हमारे कार्यों की कदर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो हमारी सेना, हमारे फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्म फोर्सेस कभी भी उस मौके को हाथ से गवाएंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। वैसे हम श्रद्धांजलि हमारे सभी साथियों हमारे आर्म फोर्सेस के लिए हम आप पर पूरा विश्वास रखते हैं। आपके आत्मबल पर हमें विश्वास है, आपकी वीरता पे हमें विश्वास है और ये भावना हम सबके मन में है। श्रद्धांजलि एक बहुत दुखद समय है लेकिन हम निराश नहीं हैं और श्रद्धांजलि का समय है जब हमारे मन में कहीं ये एहसास भी होता है क्या जो वीर हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, क्या हम अपना कर्तव्य उस तरह से निभा रहे हैं, क्या हम हकदार हैं कि वो हमारे लिए अपनी जान दे सकते। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं सर कि जितनी कोशिश हम नागरिकों से करेंगे अपना कर्तव्य निष्ठा के लिए वो हम करेंगे तभी सही मायने में श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि वक्त है उन वीरों की शहादत को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, लेकिन गर्व महसूस करने के लिए आपकी सेना के वीरता पे, आपके आत्मबल पे, आपके संयम पे, आपकी धैर्यता पे। श्रद्धांजलि वक्त है तप्त करने का उन माताओं की कोख पे जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया।
माओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की हर एक माँ उस माँ के साथ खड़ी है, इस घड़ी में उसको संबल दे रही है और उस पर फक्र करती है। हम वृक्षारोपण करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सर। अगर मैं कहूँ कि एक सैनिक का जीवन वृक्ष के जैसा होता है, जैसा वृक्ष की कोई दो फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो आतंकवादी हमला किया गया था, तो उसके उसी इसमें आज कदम संस्था बालाघाट के सभी कदम मित्रों के द्वारा सीआरपीएफ में के शहीद जवानों को यहाँ पे श्रद्धांजलि सीआरपीएफ के अम्बरवेली में दी गई। साथ ही उनकी शहादत की याद में रखते हुए यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया कि जिस प्रकार वो हमारे देश की रक्षा में अपना जीवन शहीद कर देते हैं देश की रक्षा करने के लिए और उनको याद रखने के लिए पेड़ों के माध्यम से हमने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें सभी कदम संस्था के सभी सदस्य का सहयोग रहा, सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और हमारे जवानों का सहयोग रहा, सभी को मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जो देश में आतंकवादी हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ है उन्हें किसी न किसी रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि वो अपनी जान पे खेलकर हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।